हिंदुस्तान में क्रिकेट एक रिलीजन है, यहाँ पर हर बच्चा जब होश संभालता है तो बोलता है उसके हाथ में बैट होना चाहिए यार, क्रिकेट खेलना है उसे। और आई थिंक इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज़ यहाँ पर निकाली है और वो है फैक्ट्री ऑफ ड्रीम्स, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे बैट मैन्युफैक्चरर्स की, क्रिकेट के सामान को बनाने के जितने भी लाइक ह्यूज प्लेयर्स हैं, सबसे बड़े अगर मैं मैन्युफैक्चरर्स की बात करूँ जो कि क्रिकेट का जेन्युइनली क्वालिटी स्टफ बना रहे हैं, तो मैं वहाँ विजिट करूँगा, हर फैक्ट्री को विजिट करूँगा। और एपिसोड वन है और एपिसोड वन में वी आर फीचरिंग इंडियाज बिगेस्ट, अगर हम बात करें बैट की, पैड्स की, ग्लव्स की, क्रिकेट का पूरा जो, अगर मैं पूरे आउटफिट की बात करूँ, पूरे सामान की बात करूँ, तो आई थिंक एस जी से बड़ा कोई नहीं होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एस जी की, एस जी से बड़ा कोई भी नहीं होगा। तो अभी ये फैक्ट्री, तो अभी मैं हूँ मेरठ में और मेरठ में मैं हूँ एस जी की फैक्ट्री, मैंने एंटर यहाँ पर कर लिया है। अब हम जाएंगे स्ट्रेट जहाँ पर देखेंगे हम लोग बैट कैसे बनते हैं, पैड कैसे बनते हैं, ग्लव्स कैसे बनते हैं, ये सब देखेंगे। बॉल कैसे बनती है, एस जी टेस्ट की बॉल फर्स्ट क्लास सर्किट में यूज़ होती है, इंडियन क्रिकेट में यूज़ होती है, जितने भी टेस्ट मैचेस होते हैं, फर्स्ट क्लास मैचेस होते हैं, तो वहाँ पर चल के अब सामने आई कैन सी वो रही बिल्डिंग एस जी की फैक्ट्री की। और हाँ, इसके अलावा हम लोग मिलेंगे पारस आनंद से, जो कि हैं एम डी, हैं मार्केटिंग डायरेक्टर हैं एस जी के, तो उनसे थोड़ी जर्नी जानेंगे एस जी की, कि बड़ी और कमाल की स्टोरी है एस जी की बाय द वे, कि वो हमारे पड़ोसी मुल्क से आई है। अगर इसका जो बेस है इस कंपनी का कहाँ से आया, पड़ोसी मुल्क से आया, तो उसके बारे में बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। तो चलते हैं स्ट्रेट अवे, चलते हैं पहले पारस भैया के पास, पारस आनंद से मिलेंगे जो कि ओनर हैं एस जी के, उनसे बात करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे पूरी फैक्ट्री। कम ऑन, तो गाइज एस जी का आपने एंट्री आपने देखी, मैंने वहाँ से एंट्री करी, अब दिस इज़ द मेन एंट्रेंस और यहाँ से एंटर करेंगे और फैक्ट्री का भी रास्ता यहीं से जाता है। पर लेकिन इससे पहले कि फैक्ट्री में स्टफ दिखाऊँ आपको, कि बैट कैसे बनता है, बॉल्स कैसे बनती हैं, और पैड्स भी हैं, ग्लव्स भी हैं, सबसे ज़रूरी क्या है, सबसे ज़रूरी है कि एस जी के राइट नाउ जो लाइक ओनर है पारस आनंद, पारस भैया, उनसे पहले मिलते हैं, उनसे पूछते हैं उनका दिन कैसा जा रहा है, कैसे ऑपरेट करते हैं, लेट्स गो। पारस भैया के लिए हल्का सरप्राइज होगा, पारस भैया का मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लाइक गिवन, आई विल गिव हिम अ सरप्राइज एंड इट विल बी फन फॉर ऑल द क्रिकेट लवर्स वर्ल्ड वाइड, के आई थिंक बिगेस्ट अगर हम बात करें ब्रांड के हिंदुस्तान में, इनफैक्ट वर्ल्ड में राइट नाउ सबसे ज़्यादा प्लेयर्स यूज करते हैं वो एस जी ए हैंड्स डाउन, लेट्स गो मीट हिम। तो पारस भैया इज हेयर, पारस भैया यहाँ पर, हाय पारस भैया, गुड टू सी यू सर। और पारस भैया इज हेयर, तो हम लोग बात करेंगे ऑब्वियसली एस जी की पूरी जर्नी के बारे में भी, एंड आई थिंक द मैन हिमसेल्फ, पारस भैया ये बताइए कि ऑब्वियसली इसकी पूरी अगर जर्नी की बात करूँ, इट स्टार्टेड फ्रॉम, बड़ा फैसिनेटिंग है ऑडियंस के लिए भी है कि सियालकोट में जर्नी स्टार्ट हुई थी, हाँ जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इट विल बी फन कि सियालकोट से कैसे स्टार्ट हुआ है। पाकिस्तान फैमिली थी ना जी, वो पहले पार्टीशन से पहले सियालकोट में रहते थे, तो वहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। वाओ, तो तब जैसे जो भी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री थी जो अब यहाँ इंडिया में आके सेटल हुई है, ज्यादातर लोग वहीं काम करते थे, वहीं इंडस्ट्री थी, तो वहां से फिर जब ऑब्वियसली पार्टीशन के बाद शिफ्ट होना पड़ा तो सारा का सारा फिर से स्टार्ट करना पड़ा। पहले फैमिली मूव करी पंजाब, फिर मूव करे आगरा, फिर आगरा के बाद अल्टीमेटली मेरठ आके सेटल हुए थे, और सेटल होने के बाद फिर क्रिकेट फिर से शुरू करी थी। राइट राइट, तो ये बड़ा कमाल की चीज़ है कि आप देखिए कि हिंदुस्तान में नंबर वन इजिली हैंड्स डाउन, लेकिन जो जर्नी है वो स्टार्ट कहाँ से हुई है, पाकिस्तान से। और सियालकोट अभी बड़ा सेंटर है काफी, अभी भी वहाँ बैट्स बनते हैं पाकिस्तान में। सियालकोट अभी भी बहुत बड़ा सेंटर है, वहाँ पे फुटबॉल मेन बॉल बनती है, वहाँ पे फुटबॉल जो है वो पाकिस्तान में फुटबॉल ज्यादा बड़ा हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया बताइए, और इंडिया क्रिकेट में आगे निकल गया, एंड वो तो हमें दिख ही रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, देखते हैं इंडिया सबसे आगे, सबसे आगे हर चीज में। तो आई थिंक पारस भैया इज द राइट गाय एंड द मेन मैन जो पूरा हमें इसकी जर्नी के बारे में हल्का बताया, स्टार्ट कैसे हुआ। अभी राइट नाउ अगर हम बात करें ऑब्वियसली इसी विसिनिटी में सब कुछ है, फैक्ट्री हमारे इसी में सिचुएटेड है, तो हम लोग वी विल गो विद पारस भैया, देखेंगे थोड़ा कि कैसे स्टफ ऑपरेट करता है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम। तो और पारस भैया ये बताइए कि एस जी एक जो व्हेन वी वर इन 90s किड की बात करूं, आई एम अ 90s, तो व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो ऑब्वियसली जितने फॉरेन ब्रांड्स को लेकर इतना फैसिनेशन होता था ना, तो आई थिंक एस जी इज द वन जिसने वो ब्रेक कर दिया, तो आई थिंक वो हम लोगों ने किस ईयर से करा होगा आपकी जर्नी जो रही। ये आपने बहुत बढ़िया बात बोली है, क्योंकि हुआ क्या था, जो आप देखिए जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जी, तो उन लोगों के पास चाहे वो मार्केटिंग टेक्निक्स हो, yes, yes, चाहे वो प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट हो, तो वो लोग थोड़ा आगे रहते थे, इवॉल्व रहते थे, इवॉल्व रहते थे, और इंडिया में बेस था सिर्फ
आपका मैन्युफैक्चरिंग का। ओके, फिर धीरे धीरे वो 90s में चेंज आया, वो 2000 में ज्यादा चेंज आया, जब इंडियन कंपनीज ने भी रियलाइज किया कि हम लोग भी क्यों ना थोड़ा मार्केटिंग पे फोकस करें, थोड़ा स्पॉन्सरशिप पे फोकस करें, प्लेयर्स पे फोकस करें और फिर इनोवेशन पे फोकस करें। तो जो गेम चेंजिंग चीज थी वो था इनोवेशन। वो ये था कि अगर आप बात करें बैट में बो आने का, तो वो सबसे पहले इंडिया में आया। तो वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था जो मैं ये कह सकता हूँ आराम से कि मिस्टर सचिन तेंदुलकर की वजह से आया, क्योंकि उनके बैट सारे इंटरनेशनल राइट वहां से वो एक चेंज आया। वही चीज इनकॉर्पोरेट करके फिर आप देखेंगे कि एसजी ने भी एट आवर एंड वी स्टार्टेड स्पॉन्सरिंग नॉट जस्ट इंडियन प्लेयर्स बट इंटरनेशनल प्लेयर्स। तो वो एक पीरियड था जहां पे चेंज हुआ है। ऑल दैट इंक्लूडिंग इनोवेशन, इंक्लूडिंग मार्केटिंग, इंटरनेशनल प्लेयर्स एक्सपोजर, डोमेस्टिक प्लेयर में इवन टॉप प्लेयर्स जो इंडिया टीम में खेल रहे हैं, जो आपके फ्यूचर कैप्टन बनने वाले हैं, बिल्कुल वो सब अब अपने ही ब्रांड को प्रमोट करते हैं। राइट, एब्सोल्यूट। तो इस बिल्डिंग में जिस विसिनिटी में हम खड़े हैं, ये कब लाइक स्टार्ट हुआ था, जहां पर हम लोग ऑपरेट करते हैं, पूरा फैक्ट्री यहीं पर है हमारी? हां, ये वाला जो हमारा सेटअप है जी, दिस इज वन ऑफ द थ्री सेटअप्स दैट वी हैव जी जी जी, और ये सबसे बड़ा सेटअप है। ये वाला सेटअप हमारा सेटअप हुआ था 2008 में, जिस साल आपका आईपीएल स्टार्ट हुआ, तो टाइमिंग बहुत बढ़िया। क्या विजन रहा है और क्या हिस्ट्री रही है? अब सबसे अमेजिंग बिट क्या है कि फैक्ट्री में कैसे स्टफ बनता है, पैड्स कैसे बनते हैं, बैट कैसे बनते हैं, बॉल कैसे बनती है एसजी टेस्ट की। तो अब मैं एंटर कर चुका हूँ बैट मेकिंग, ये हिस्सा है जहाँ पर एसजी के बैट बनते हैं। ऑन एन एवरेज डेली 1000 बैट बनते हैं। तो आप देख रहे हैं हर जगह बैट ही बैट है, जो कि इंडिया पर वर्ल्ड वाइड जाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देखिए कैसे बैट की यहाँ पर शेप में लाया जा रहा बैट को, यू कैन सी इट हियर इन द फुटेज। और बड़ा कमाल है यार, टू बी ऑनेस्ट। आप ऑब्वियसली फाइनल प्रोडक्ट देखते हो कि फाइनल क्या आ रहा है, लेकिन ये बिहाइंड द सीन्स है कि एक्चुअल बैट कैसे बनते हैं, कि मशीन में काम चल रहा है। बैट को उस सेक्शन में शेप दिया जा रहा था, थ्रेडिंग भी आपने देखा कैसे हो रही थी। अब ये पफिंग और स्टिकर वाला सेक्शन है। बैट को जो पॉलिश करते हैं वो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा कैसे पॉलिश होती है, जो बैट को अट्रैक्टिव शेप मिलता है, और स्टिकर्स जो लगते हैं एसजी के वो भी यहाँ पर आपको दिखाते हैं। चलिए चलते जाइए मेरे साथ। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, हाँ ये प्रेसिंग मशीन है, और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है कि बैट को प्रेस कैसे करना है। तो एक्चुअली जब सही, आई थिंक जितना अच्छा बैट प्रेस होता है ना, ना ज़्यादा ना कम, परफेक्ट जब जो प्रेसिंग होती है वो बैट आइडल होते हैं। तो ये यहाँ पर प्रेस हो रहे हैं एसजी के बैट, और जनरली जो वुड होती है वो थोड़ी सॉफ्टर होती है जब आती है। अब इसको आप थोड़ा सा हार्ड करते हैं, जो कि आसानी से टूटे ना जब इवेंचुअल मैच में प्लेयर्स लेके जाते हैं। तो ये इसको ताकत देती है बैट को, और एक परफेक्ट पिंग देती है एक प्रेसिंग, अगर प्रेसिंग सही हो। तो ये प्रेसिंग आपने देखी। अब वी विल गो टू द पफिंग वाला सेक्शन, जहाँ पर शाइन बैट को जो देखते हैं ना आप, अलग ही शाइन मारते हैं बैट्स। तो ये वो पोर्शन है जहाँ पर देखिए बैट को शाइन दी जा रही है, यू कैन सी इट हियर। बैट को शाइन ऐसे दी जा रही है, यू कैन सी। और आई थिंक जो बैट्स में आजकल मेहनत होती है, इस तरह से हर एक पोर्शन को इतना सीरियसली लिया जाता है, राइट फ्रॉम गिविंग इट शेप टू पॉलिशिंग एवरीथिंग, यू कैन सी कितना उसके पीछे हार्ड वर्क जाता है। तो बैट को शाइन कैसे करते हैं वो पोर्शन आपने देखा। अब ये जो सेक्शन है, जो इवेंचुअली आप ब्यूटीफुल स्टिकर्स देखते हैं ना एसजी के, ये लगाए जा रहे हैं। भैया स्टिकर लगा रहे हैं, देखिए
स्टिकर लगाने में मजाक नहीं है, बड़े उसमें प्रिसिशन चाहिए कि सही जगह हो, शेप यहाँ वाना हो। तो भैया ऐसा तो नहीं है कि ऊपर नीचे हो जाए गड़बड़ जाती ना, बिल्कुल सही जगह लगता है ना। तो भैया ने बोले भैया बिल्कुल भी मूड में नहीं है बात करने की, ये टोटली इन टू इज वर्क, अच्छी बात है काम करें। ये देखिए यहाँ भी एसजी के स्टिकर्स लग रहे हैं, एक बार फिर दिखाइए, ये देखिए। और हर कैटेगरी के जितने भी बैट, चाहे वो ऋषभ पंत एडिशन हो, हार्दिक पांड्या, यू नेम इट, सारे बैट के स्टिकर यहीं लगते हैं। और बड़ा ब्यूटीफुल पार्ट है ये देखिए, यहाँ पर इनफैक्ट एसजी के बैट यहाँ पर हो रहा है। ये देखिए भैया ने और ज़्यादा मेहनत करना चालू कर दी, देखते और मेहनत करना और भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से। अच्छा ये बिल्कुल परफेक्ट जगह होते हैं, प्लीज देखिए कितना एक्सपीरियंस है, लवली। और ये देखो ब्यूटीफुल एसजी, ये बस स्टिकर दिखाना क्या लग रहा है। थैंक यू भाई, शुक्रिया। अब स्टिकर वाला सेक्शन आपने देख लिया, अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बैट को जब होल्ड करते हैं ना, सॉलिड ग्रिप हो बल्ले पे, तो ये ग्रिपिंग सेक्शन है एसजी का। यहाँ पर देखिए ग्रिप चढ़ाई जा रही है, थ्रेडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, वो देख चुके हैं आप, यहाँ पर ग्रिप कैसे चढ़ाई जा रही है, यू कैन सी, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और स्टिकर्स ऑलरेडी लग चुके हैं और आप देख रहे हैं लॉट्स, देखिए कितने सारे बैट्स रखे हैं, बिलीव बिकम जो कि लाइक स्लोगन है, मैं बात करूँ एसजी के। ये बैट भी देखिए ब्लू में है, ब्यूटीफुल मॉडल, तो फ्रेश पीसेस हैं बाय द वे। तो एसजी के बैट्स तो वर्ल्ड क्लास होते हैं, जिनका पूरी दुनिया में नाम है, लेकिन बॉल, अगर मैं बॉल्स की बात करूँ तो इंडियन क्रिकेट एसजी टेस्ट से ही खेला जाता है। और एसजी टेस्ट यहाँ पर उसका जो पॉलिशिंग का काम है और जो स्टैम्प लगती है बॉल्स पे, वो ये सेक्शन रहा। और मैं भैया से मिल रहा हूँ 3 साल बाद, देखो भैया मैं 3 साल पहले भी जब मैं पिंक बॉल टेस्ट के लिए आया था, भैया यहीं पर थे, पिंक बॉल तब कर रहे थे वो। अब देखिए यहाँ पर एसजी क्लब हो रही है, एसजी टेस्ट भी यहीं होती है, उन पर स्टैम्प लगाई जाती है। भैया से पहले मिल चुके हैं, गुड टू सी हिम अगेन। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वाइट बॉल्स और रेड बॉल, और जितने भी रणजी मैचेस होते हैं ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, एसजी टेस्ट से खेले जाते हैं। और इंडिया का टेस्ट मैच क्रिकेट भी एसजी टेस्ट से खेला जाता है, तो वर्ल्ड क्लास बॉल्स यहाँ बनती हैं। अब तो यहाँ पर देखिए एसजी टेस्ट की यहाँ पर शाइनिंग करी जा रही है, और भैया ने शाइन करके मुझे ये पकड़ा दी, ये देखिए दिस इज एसजी टेस्ट जो कि यूज़ होती है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, मैंने बताया आपको। और इंडियन क्रिकेट टेस्ट मैचेस इसी बॉल से, रेड बॉल से खेले जाते हैं, तो ऑब्वियसली होम प्रोडक्ट हिंदुस्तान का प्रोडक्ट है, तो वी शुड बी प्राउड कि भैया हम लोग ये बॉल यूज़ कर रहे हैं। आईसीसी इवेंट में कुकुबरा होती है, लेकिन अगर हम इंडियन क्रिकेट की बात करें तो वर्ल्ड क्लास, ट्रूली वर्ल्ड क्लास। तो यहाँ पर ये जो साइन है ना वो लग रहा है, ये साइन है वो लग रहा है, एंड पॉलिशिंग हो रही है। तो गाइस ये जो साइन है एसजी का, वो कैसे इस बॉल पे आता है वो भी आपको दिखा देते हैं। आप ये देखिए फुटेज में, आपने लेदर बैट्स देखे, एसजी के बॉल देखी। और एक और चीज़ ह्यूजली पॉपुलर है, यंगस्टर हो चाहे प्रोफेशनल प्लेयर्स, वो हैं पैड्स, एसजी के पैड्स। तो एसजी के पैड यहाँ बनते हैं, और डायरेक्टली मैं आपको ले चलता हूँ कि पैड बनता कैसे। ये देखिए, यू कैन सी डायरेक्ट यहाँ पर ये भैया पैड बना रहे हैं, और पैड में क्या क्या स्टफ यूज़ हो रहा है, यू कैन सी इट हियर। तो कितनी फिनेस होती है, कितनी मेहनत लगती है। तो ये देखिए ये सब स्टफ़ यूज़ होता है, लिटरली ये कौन सी स्टिक है यार, बैम्बू स्टिक बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे, कौन सी स्टिक बोलेंगे भैया, ने बांस की वो है। तो भैया ने आपको डर बता दिया, देखो जो कि यूज़ होती है। और स्ट्रैप्स हैं, स्ट्रैप कैसे बनते हैं, जो स्ट्रैप है वो देखिए, ये बड़ा वो देखो हाँ बताइए, बोलिए, केन जो वुड है उसकी ये छोटी छोटी लकड़ियाँ जो कि पैड में जाती हैं, जो कि बचाती हैं आपको हर्ट होने से, एक्सट्रीम पेस के अगेंस्ट भी इतने सिक्योर फील करते हैं आप, क्योंकि पैड में ये होता है। तो आप देख लीजिए ये फुटेज, आपको आई डोंट थिंक तो आपको कभी रेयरली आपने देखा होगा। तो ये देखिए ये स्टिक पैड के अंदर जा रही है, ऐसे बनता है पैड एसजी का, वेरी नाइस। ये स्ट्रैप्स वाला सेक्शन है, स्ट्रैप बन रहा है यहाँ पर जब आप स्टिक करते हैं अपने पैड को, बहुत ज़रूरी है कि वो भी क्वालिटी हो, देखिए स्टिचिंग चल रही है यहाँ पर, परफेक्ट है। तो एसजी के जो ग्लव्स हैं वो भी बहुत पॉपुलर हैं क्रिकेटर्स में, और कभी ना कभी आपने भी यूज़ करे होंगे, मैंने भी यूज़ करे हैं। तो एसजी ग्लव्स बड़े कम्फर्टेबल, हमेशा अक्रॉस द बोर्ड आप बात करें तो बहुत कंफर्टेबल ग्लव्स बनते हैं एसजी के। तो ये देखिए ये बिहाइंड द सीन्स एसजी ग्लव्स कैसे बन रहे हैं, स्ट्रेचिंग चल रही है यहाँ पर, और भैया बड़ी शिद्दत से स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। भैया एक दिन में कितने आप सिल लेते, अगर ग्लव्स की बात करूँ, एक दिन में कितने स्ट्रेचिंग कर लेते हो? अगर मैं 35 भैया अकेले कर लेते हैं, एंड देर आर सो मेनी पीपल अराउंड हियर हु इज डूइंग द सेम जॉब, तो आई थिंक वर्ल्ड क्लास। और ये आई थिंक फाइनल प्रोडक्ट नहीं है ना कि हो चुका है स्टिच, हाँ हो चुका है, इनफैक्ट ये स्टिचिंग यहाँ हुई और ये बन गया, जो कि इवेंचुअली आपके पास पहुंचता है जब आप किसी भी रिटेल स्टोर के पास जाते हैं, तो आप इवेंचुअली आपको ये मिलता है, लेकिन ये एक्चुअली ऐसे बन रहा है, देखिए ट्रूली वर्ल्ड क्लास।
आई थिंक ये शेप निकाल रहा है ना, है ना ग्लव्स का शेप है ना भैया, ये देखो ग्लव्स का शेप कैसे बनता है, आप करिए करिए करिए, ग्लव्स का जो शेप होता है वो देखिए आप, मतलब लाइक इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, आप इवेंचुअली आप तो अपने हाथ में पकड़ते पर लेकिन शेप ये निकल रहा है देखिए डिफरेंट हैंड्स का, तो आई थिंक ये ग्लव्स का पूरा आप देख सकते हैं कैसे ग्लव बनते हैं डिफरेंट हैंड के, क्या क्या यूज़ होता है। तो अब ये बॉल मेकिंग यूनिट है एसजी की, और मैं पहले बता चुका हूँ आपको पॉलिशिंग वाली आपने देख लिया है, लेकिन यहाँ पर बॉल्स बनती हैं एसजी की, और दिन में 1000 बॉल बनती है, और जहाँ मैं बैठा हूँ ना गाइस, तो ये आई थिंक बहुत ही हुनरमंद आदमी की जगह है, मैंने उस जगह ले ली है 2 मिनट के लिए, क्योंकि यहाँ पर बैठते कारीगर और बनाते हैं बॉल्स, तो मैं हट जाता हूँ, आई डोंट डिजर्व दिस, अपन नहीं भैया इसके लायक है, भैया लोग हैं, भैया लोग बना रहे हैं, ये देखो बॉल ये भैया बना रहे हैं, ये ऐसे स्टिचिंग हो रही है, सीम की स्टिचिंग हो रही है, भैया के पास आते हैं, भैया दिन में कितने बॉल स्टिच कर लेते होगे आप कम से कम, अगर अकेले बात करूँ, अकेले अकेले कितने बॉल कितने बॉल बना देते हो आप, 8, चलिए 8 बॉल भैया बना देते हैं, टोटल मिला लूँगा जितने लोग यहाँ पर भी, आई कैन सी सारे स्किलफुल लोग हैं, बड़े कमाल के, बहुत पुराने रहे हैं, लगातार उन्होंने सर्व किया है एसजी को, तो क्लोज टू 1000 बॉल, ये देखिए जितने भी बॉल्स आ रही हैं इंडियन क्रिकेट में बात करूँ तो वो यहीं से आ रही हैं, ट्रूली वर्ल्ड क्लास, और बहुत मेहनत जा रही है इसके पीछे, तो पर अगर बात करूँ पर कारीगर 8 बॉल बना रहा है, वेल डन गाइस, वेल डन गाइस। फैक्ट्रीज ऑफ ड्रीम एपिसोड 1, तो ये आपने पूरा देखा यहाँ पर कैसे बैट बनते हैं जी के, कैसे पैड्स बनते हैं, ग्लव्स बनते हैं, सारा स्टफ देखा, और ऑब्वियसली पारस भैया हमारे साथ थे, तो इट वॉज सुपर फन, मज़ा आया, लर्निंग एक्सपीरियंस भी था, लेकिन जाते जाते वी विल एंड कहाँ करेंगे, पारस भैया ने मुझे एक वॉल ऑफ फेम दिखाई, ये पीछे मैं देख रहा हूँ आज, पारस भाई ये बहुत स्पेशल वॉल लग रही है, और इसमें आई कैन सी अ बैट जो कि ग्रेट सुनील मनोहर गावस्कर ने यूज़ किया है, जो कि पहले सुपरस्टार थे जो एसजी जिन्होंने यूज़ किया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, पारस भैया बताइए इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो ये बैट है, दिस बैट इज अबाउट 35 ईयर्स ओल्ड, right. आप देखिए जैसे क्या इसका प्रोफाइल होता था, बिल्कुल, तो ये जर्नी यहाँ से शुरू हुई थी, right. और अब आप जो बैट देख रहे हैं huge. जैसे, इतने huge जैसे हम अभी हार्दिक पांड्या का भी बैट देख बिल्कुल, रहे थे, बिल्कुल. तो यहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ से हुआ है हम वहाँ पहुँच गए, बिल्कुल, तो ये ऐसे बैट से राइट मिस्टर गावस्कर खेलते थे, और वो मजाक भी करते हैं, क्या करते हैं, कहते हैं कि पारस अगर मेरे पास ऐसे बैट होते मेरे कितने रन होते, 20 रन होते, मेरा रिकॉर्ड फर्क हो जाता, सीरियसली होता, आप बिल्कुल प्रोफाइल देख सकते हैं, कैन आई होल्ड इट, ये देखिए भैया ने वो बताने की कोशिश, प्रोफाइल देखिए आप, सीधा प्रोफाइल और आज के जैसे भैया बता रहे हैं, चौक एंड चीज डिफरेंस जगह, यू कैन सी द डिफरेंस, और क्रिकेट कितना इवॉल्व हुआ है, ये अपने में अलग स्टोरी है, अपने में अलग स्टोरी, अपने आप में अलग स्टोरी, सही कह रहे हैं, विच पीपल विल एंजॉय, और हाँ, और एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जो कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं और आपसे भी सबसे ज्यादा पूछते होंगे, आई थिंक यू आर द बेस्ट मैन टू बताने वाला जो इंडिया में वो है, कि हाउ डू यू सेलेक्ट प्लेयर्स स्पेशली फर्स्ट क्लास सेकंड में, जो कि स्टार नहीं बने, पोटेंशियल स्टार एकदम उनके पास है, ये तो बड़ा नाम है, फिर तो ऑब्वियसली एवरीवन वांट टू साइन देम, तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई देम, एंड ऑब्वियसली भैया बताएंगे नहीं कितने पैसे सुपरस्टार प्लेयर को देते हैं, बट लेकिन थोड़ा सा एक हिंट लेंगे कि क्या प्रोसेस क्या है इसमें, बताइए, क्योंकि पीपल लव टू नो इट, काफी सिंपल है, एक जो हमारा बहुत बड़ा डीलर नेटवर्क है उधर, चाहे श्रीनगर हो जी या कन्याकुमारी हो, हमारे डीलर हर शहर में है, बिल्कुल, तो उनसे हमें रिकमेंडेशन आती है, अच्छा ये लड़का अच्छा खेल रहा है, ये लड़का अच्छा खेल रहा है, और दूसरा जो इतने सारे साल में जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और हमारे इतने हाई प्रोफाइल एडवाइजर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, स्काउट का काम करते हैं वो हम वो एडवाइस करते हैं, चाहे उसमें कभी मिस्टर गावस्कर किसी का एडवाइस कर देते हैं, कभी मिस्टर मोरे हैं, मिस्टर राहुल द्रविड़ हैं, तो जितने भी ये पुराने लेजेंड हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हो, चाहे वो आपका इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, तो वो एक बहुत अच्छा हमारे पास एक पूल है जो टैलेंट के लिए हमें एडवाइस करता है, उसके बाद फिर नेचुरली हमारी टीम आती है, देखती है कि वो लड़का या लड़की उस प्रोफाइल को फिट कर रहा है, हमारे को हमारी रिक्वायरमेंट है, बच्चे की रिक्वायरमेंट है, क्रिकेटर की रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे डिसीजन ली जाती है। वाह, तो मतलब ये पूरा मतलब मेथड टू मैडनेस है, एक तरीका होता है, इतने बड़े लेजेंड को सजेस्ट करते हैं, और हाँ मिलियन डॉलर क्वेश्चन जो आप उसको डक करेंगे, मुझे मालूम है कि एक रफ आइडिया दीजिए कि एक सर्टन वो होता होगा आपका थ्रेशोल्ड होता होगा कि भैया इस प्लेयर को मुझे टारगेट करना है, और इज देयर एनी प्लेयर यू रिग्रेट कि भैया मुझे ये साइन करना चाहिए था, मुझे चाहिए था, ऐसा कुछ आप यू कैन सेल कि ऐसा होता है? ऐसा रिग्रेट नहीं होता कि भाई कोई प्लेयर अगर हमें कोई प्लेयर अगर हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में मार्केटिंग स्टोरी में बैठ रहा है राइट राइट तो फिर हम उसको अक्वायर कर ही लेते हैं बाय हुक और बाय क्रूक वो आ ही जाता है ऑन बोर्ड आ ही जाता है
राइट राइट, ये बिल्कुल परफेक्ट ग्रेट एग्जांपल था भैया, इट वाज सुपर फन, सुपर फन, थैंक यू सो मच। और आपने पूरा नो जिस तरह से हम लोगों ने पूरा विजिट करा, एंड आई होप के जितने भी नो व्यूअर्स बड़ा एंजॉय करेंगे, और एक्चुअली वी वांटेड स्टार्ट यहां से करना था। आई थिंक एक्चुअली यू आर गिविंग विंग्स टू द ड्रीम्स ऑफ मिलियंस हिंदुस्तान में वर्ल्ड वाइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सौरभ, ऑल द बेस्ट, थैंक यू पारस भाई, थैंक यू।